कैबिनेट के फैसले के बाद में हमने माननीय राज्यपाल महोदय को कल पत्र भेज के रिक्वेस्ट करी कि हम चाहते हैं कि असेंबली के सेशन बुलाएं और उसके अंदर डिस्कशन करें सारी पॉलिटिकल सिचुएशन को भी, कोरोना को भी, और लॉकडाउन के बाद में जो स्थिति बनी है आर्थिक रूप से उसको भी। हमें उम्मीद थी कि रात को ही वो आदेश जारी कर देंगे असेंबली बुलाने के। रात भर इंतजार किया पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया उनका। ये हमारे समझ के परे है। सिंपल प्रोसेस जो अपनाया जाता है और गवर्नर साहब को आदेश देना ही पड़ता है, उसको रोकने कोई कारण नहीं है। हमारा मानना है कि ऊपर से दबाव के कारण से मजबूरी में वो अभी असेंबली बुलाने के लिए निर्देश नहीं दे रहे हैं। इस बात का हमें बहुत दुख है। जब हम फ्लोर पे जाना चाहते हैं, एक तरफ तो मांग की जा रही थी विपक्षी पार्टियों द्वारा भी, जुडिशरी के अंदर भी चर्चा हो रही थी, भाई आप असेंबली फ्लोर क्यों नहीं टच कराते हो, असेंबली में क्यों नहीं आते हैं, असेंबली बुलाते क्यों नहीं है। और आज जब हम लोग असेंबली बुलाने के लिए तैयार हैं, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि हो क्या रहा राजस्थान के अंदर। सब व्यथित है, दुखी है, परेशान है, क्योंकि राजस्थान की ऐसी कभी परंपरा रही नहीं है इस प्रकार से तोड़ फोड़ करके सरकार गिराने की। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा, दो मौके आए थे भैरवसिंह शेखावत के वक्त में, जब उनके साथी सरकार गिरा रहे थे, तब मैं खुद गया तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के पास में, बलराम भगत साहब जो राज्यपाल महोदय थे उनको मैंने कहा कि ये परंपरा राजस्थान में है नहीं, हम साथ नहीं देंगे। उस पर मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी था। ये तमाम बातें आपके डोमेन के अंदर है। दुख इस बात का है कि आज जो फैसला नहीं किया गया रात तक, अभी गवर्नर साहब से टेलीफोन पर बातचीत भी हुई, मैंने फिर रिक्वेस्ट किया है कृपा करके आपका संवैधानिक पद है जिसका अपना एक बहुत बड़ी गरिमा होती है, उसके आधार पर आप अविलंब फैसला करें, वरना सब हमारे विधायक गण आकर के आपसे रिक्वेस्ट करें, एक साथ सामूहिक रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग कि कृपा करके आप इमीडिएटली अपना फैसला दें और असेंबली हम लोग मंडे से शुरू करना चाहते हैं। वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पूरा देश देखेगा, प्रदेश देखेगा, फ्लोर में डिस्कशन होंगे, पब्लिक और मीडिया के डोमेन में आएगा। तो ये समझ के परे किस प्रकार की ये किस प्रकार की दबाव, किस प्रकार का दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है, वो चाहते हुए भी या नहीं चाहते हुए भी वो तो वो जाने, पर किन कारण से ये रोका गया हमारे समय के परे। हमारे पास संपूर्ण बहुमत है। जब मैं बार बार कह रहा हूँ हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चिंता हमें होनी चाहिए, सरकार हम चला रहे हैं, उसके बावजूद भी परेशान वो हो रहे हैं। हमारे कुछ साथी जो जिनको बंधक बना रखा है हरियाणा के अंदर, वो पूरे बीजेपी के देखरेख में ही बंधक बनाए हुए हैं। सबको मालूम है, इतने दिन हो गए, वो साथी भी हो सकता है कि हमारे छूटना चाहते हो, वो हमारे अपने साथी हैं। हो सकता है कि उनको जो बाउंसर लगा रखी है वहां पर, पुलिस लगा रखी है, टेलीफोन सीज कर लिए उन सबके, परेशान है, कोई बीमार भी है वहां पर, क्योंकि आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, टेलीफोन करें हम लोगों को, छुड़ाओ हमें यहाँ से, ये स्थिति बन गई है। उसकी परवाह केंद्र सरकार को नहीं है क्या? हरियाणा में सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है।
ये पूरा खेल जो है ये भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं के षड्यंत्र है, जैसे उन्होंने कर्नाटक में किए थे, जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में किए थे और राज्यों में किए, आप सबको मालूम है। राजस्थान में करना चाहते हैं, राजस्थान में पूरी प्रदेश की जनता हमारे साथ है, विधायकगण हमारे साथ है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं, इस बार जो मैनेजमेंट हुआ कोरोना का, जहाँ जीवन बचाने की बात है, जिंदगी जीवन बचाने की चुनौती हमारे सामने है, ये भयंकर महामारी है कोरोना की, लड़ने का वक्त है। शानदार हमने मैनेजमेंट किया, पूरे देश में वाहवाही हो रही है, हमने विपक्ष को भी साथ लिया, धर्म गुरुओं को साथ लिया, एक्टिविस्ट को साथ लिया, आम जनता साथ दिया, केस काइंड हमने खूब डिस्ट्रीब्यूट किए, शांति बनी रही, पब्लिक ने साथ दिया हमारा। ऐसे माहौल में सरकार को टॉपल करने का षड्यंत्र करने में बीजेपी की भूमिका जो है, आप समझ सकते किस नीचे स्तर में जाके राजनीति देश में हो रही है। डेमोक्रेसी खतरे में डाल रखी है, इनकम टैक्स के, ईडी के, सीबीआई के छापे, ऐसा नंगा नाच कभी देखा नहीं है देश के अंदर जो आज देखने को मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा महामहिम राज्यपाल महोदय को, हम सब आ रहे हैं अभी एक साथ में राज्यपाल राजभवन के अंदर, उन सबसे सामूहिक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दबाव में किसी के नहीं आए, आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है, अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें, वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं हो।